वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर कभी नहीं मनने वाले पांच खतरनाक समुद्री जीव के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। हमारी धरती पर कुछ समुद्री जीव ऐसे भी मौजूद है जो कभी मरते नहीं है। रिसर्च की माने तो पांच समुद्री जीव ऐसे है जो सदा पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, इनकी कभी कुदरती मृत्यु नहीं होती है। तो टार्डिग्रेड्स की कभी कुदरती मृत्यु नहीं होती है, जिन्हें अक्सर वाटर बियर या मॉस पिगलेट के नाम से जाना जाता है टार्डिग्रेड्स को। तो टार्डिग्रेड अविनाशी है, जो ये बाहरी अंतरिक्ष में भी जीवित रह सकते हैं। टार्डिग्रेड के आठ पैर होते हैं, प्रत्येक पैर में चार से आठ पंजे होते हैं। यह समुद्री जीव किसी भी प्रकार के वातावरण में जिंदा रह सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए आपको एक विशेष बात बता दें कि लॉबस्टर का खून नीले रंग का होता है। लॉबस्टर का कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है, और बल्कि ये उम्र के साथ साथ जवान होते जाते हैं लॉबस्टर, और जिनसे इनकी ताकत और अधिक बढ़ जाती है, और उनके शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है लॉबस्टर के शरीर में। और लॉबस्टर की मौत तभी हो सकती है जब कोई और जीव उनका शिकार कर ले। और लॉबस्टर की एक खास बात और है, लॉबस्टर अपने खाने को अपने पैरों से ग्रहण करते हैं, और लॉबस्टर का मरना नामुमकिन है। नेक्स्ट जेलीफिश उन समुद्री जीवों में शामिल है जो अमर होते हैं। जेलीफिश की कभी मौत नहीं होती, कभी कुदरती मौत नहीं होती है। जेलीफिश अपने जीवन की शुरुआत लार्वा के रूप में करती है। लार्वा एक समय बाद पोलिप में बदल जाता है, और इमोर्टल जेलीफिश जैसे जैसे बूढ़ी होती जाती है, वह अपने ही शरीर को एक नए नवजात शिशु के रूप में बदल लेती है, और ऐसा करने से इस मछली की लाइफ बढ़ जाती है और वो कभी भी नहीं मरती, क्योंकि यह साइकिल हमेशा चलता ही रहता है। और ये अपने शरीर को पल में जीवित भी कर सकते हैं और खुद को मार भी सकते हैं, क्योंकि जरूरत के हिसाब से अपने आप का रूप कभी भी बदल सकती है जेलीफिश। इसलिए इनका नाम द इमोर्टल जेलीफिश रखा गया है, जेलीफिश का नाम। और हेक्सास्टेलिनिडा कैटेगरी के ग्लास स्पंज कहते हैं, आमतौर पर गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जानवर है। इनके टिश्यू में सिलिका से बने ग्लास जैसे स्ट्रक्चर पार्टिकल्स होते हैं। तो कई स्पंज वास्तव में प्रतिदिन एक मिलीमीटर से कम मूव होते हैं, और कुछ स्पंज समुद्र की सतह से चिपक जाते हैं और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और पानी में पाए जाने वाला यह जीव अपनी आश्चर्यजनक दोबारा से जीवित होने के लिए जाना जाता है यह जीव। और इनकी खास बात यह है कि अगर इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए, तो इनका हर एक टुकड़ा एक नया जीव बना सकता है। सोचिए, ये ग्लास स्पॉन्ज कभी मरते नहीं है, हमेशा अमर रहते हैं, इनकी कभी कुदरती मृत्यु नहीं होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्लास स्पॉन्ज 15,000 साल से ज्यादा समय के लिए एक ही जगह पर मौजूद रह सकते हैं, और लॉबस्टर की तरह ये भी अमर जीव है। तो नेक्स्ट बोहेड व्हेल, इसकी उम्र 200 से भी ज्यादा साल तक जी सकती है। बोहेड व्हेल लंबी उम्र वाली सीढ़ी में सबसे नीचे है। यह आर्कटिक और उप आर्कटिक सागरों में पाई जाती है, और नेशनल ओशियानिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 100 साल तो ये आराम से जीते हैं, लेकिन कुछ 200 साल से भी ज्यादा भी जी जाती है। अगर इनका शिकार न किया जाए तो इनके शरीर में एक जीन होता है जिसे ERCC1 कहते हैं। यह जीन शरीर में खराब हो रहे डीएनए को सुधारता रहता है, इसलिए इन मछलियों में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां नहीं होती। दूसरा एक जीन होता है जिसे कहते हैं PCNA। यह जीन पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनाता है और अंगों की रिपेयरिंग करता रहता है।
और ग्रीनलैंड शार्क जो 272 साल से भी ज्यादा जीती है। ग्रीनलैंड शार्क आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक महासागर में काफी ज्यादा गहराई में रहती है। यह 24 फीट तक लंबी हो सकती है। यह कई प्रकार के समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाती है और साइंस जर्नल में साल 2016 में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक इनकी औसत उम्र अब 272 साल की होती है, जबकि सबसे ज्यादा जीने वाले ग्रीनलैंड शार्क की उम्र 392 साल है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये 512 साल तक भी जी सकती है और इसकी अधिकतम उम्र को लेकर काफी बहस होती रहती है, लेकिन इसकी औसतन उम्र 272 साल है, ये बात सारे वैज्ञानिक मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।